उदयपुर शहर के सेक्टर 14 के निवासी क्षेत्र में लगी मोबाइल टावर को हटवाने को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक रहवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। गोवर्धन विलास स्थित बालाजी नगर में रहने वाले क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि शहर के खेरादीवाड़ा में रहने वाले कंवरपाल सिंह चौहान के दो मकान बालाजी नगर में स्थित है, जिन पर मकान मालिक ने अनाधिकृत रूप से मोबाइल टावर को लगवा दिया, और जहां ये मोबाइल के टावर लगवाए गए हैं वह घनी आबादी वाला इलाका है। साथ ही पास ही में स्कूल भी मौजूद है। मोबाइल टावर से निकलने वाली घातक विकिरणों की वजह से क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि मकान मालिक ने बिना सेटबैक छोड़े मकान का निर्माण करवा दिया। इन सभी समस्याओं को लेकर उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी ने क्षेत्रवासियों से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, और आज जिस गंभीर मुद्दे से हम आपको अवगत कराने लेकर आए हैं, अभी कल की ही आप दृश्य देखे हैं जब बेदला के अंदर एक रिहायशी कॉलोनी के अंदर एक फैक्ट्री में जब आग लगी तो आसपास के रहने वाले लोगों के अंदर भय का माहौल था, डर का माहौल था, क्योंकि रह रहकर वहां पर विस्फोट हो रहे थे फैक्ट्री के अंदर। ये 3 माह में 2 बार हो चुकी घटना थी। उसी तर्ज पर आज हम बालाजी नगर सेक्टर 14 में आए हैं, जहां पर एक 5G टावर लगने की वजह से यहाँ के क्षेत्रवासियों में काफ़ी डर का माहौल है और कई गंभीर बीमारियों से ये लोग जूझ रहे हैं इस रेडिएशन की किरणों के कारण। इन्होंने कई बार कलेक्टर साहब को और कई बार प्रशासनिक अमले को इस बात की जानकारी दी, पर ये हमेशा विफल रहे। कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। भाई जी, सबसे पहले तो बताएँ कि कितने लोगों को आपने अब तक अवगत कराया इन सारी चीज़ों से? सारी चीज़ें हमने बोला और कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम तो परेशान है, देखो यहाँ पे हम हमारे बच्चे बच्ची और हम परेशान है। कल मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार है, बताओ ये बताओ जी। कल मर जाएंगे कौन जिम्मेदार, मरिया बात क्या करोगे, जला दोगे तो परिवार तो दुखी रहेगा ना सब जी, आगे पीछे वाले, इसकी कार्रवाई करो। नहीं तो इन सारी किरणों की वजह से जो रेडिएशन निकलता है, इनकी वजह से आप लोगों में कोई शरीर में कोई बदलाव देखा आप लोगों? बदलाव हमारे बुखार आ रहा, बीमार हो रहे, घोड़े में दर्द हो रहा है, शरीर पूरा दुख रहा है, ये जल से लगा हम परेशान है, बस इसको हटाओ हटवा दो जी। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे जानते हैं। आप बताएं कि आपने क्या बदलाव देखा अपने शरीर में? हमारे 2-4 दिन से तो पांव काम ही नहीं कर रहे जी। नसों में जकड़न जैसी कोई समस्या महसूस हो रही है? हाँ, हो रही है। कुछ और बुजुर्ग भी हमारे साथ है, आप लोग बताए की आप लोग क्या चाहते है? बस और आपको जी, कुछ आप प्रशासन का रवैया देखें कि कुछ इनमें से कुछ लोग हैं जिनके ऊपर केस भी दर्ज हो चुका है, आइए उनसे जानते हैं कि आपके ऊपर केस भी दर्ज हुआ। बोलो बोलो। हमारे ऊपर छोटे छोटे क्लेम लगा, लेबर आई वो भी मारपीट करने के लिए करा हुआ था और से 20 आदमी लेके आता है, नहीं नहीं तो आपने उसमें कोई आपके साथ जो बदतमीजी करी आपने उसमें कोई रिटर्न केस करा क्या उनके ऊपर? केस किया ना, उसकी कॉपी भी आप हमें दीजिए। नहीं, उन्होंने एफआईआर की कॉपी हमको नहीं दी और हमने केस किया तो उल्टा पुलिस वाले हमको ही डराने आ गए और बोले कि आप आओ तो एक एक करके आना, 10-15 महिला इकट्ठी होके मत आइएगा, और जो भी आएगी वो 5-5 मिनट के बाद आएगी और अकेले अकेले आके जाएगी, और जबकि वो केस जो टावर वाला है वो हमको किसी को भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसने नामजद हमारे खिलाफ एफआईआर कटवाई है वहाँ, और मोबाइल नंबर भी दिए, तो ये सब मोबाइल नंबर और जो भी इसने नाम प्राप्त किए वो जो मकान मालिक है उसने दिए, और उसने अब खुद आगे ना आके जब हमने कहा कि तुम हमारी महिलाओं के साथ इतनी अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हो और बदतमीजी करते हो तो हम भी इसका एक्शन लेंगे, हम आपके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। इस बात को लेकर उस जो केपी सिंह है मकान मालिक, वो यहाँ नहीं रहता, सूरजपोल सिटी में रहता है वो, और उसने हम महिलाओं खेरादेवाड़ा, और उसने क्या किया है कि उसने जियो का जो टावर लगाने आया था उस व्यक्ति को कहा कि तू इन सब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा, और उसमें एक नवीन जी है जबकि वो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं थे, वो उनके जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर थे, फिर भी उनके नाम की एक एफआईआर दर्ज करवाई, और हम महिलाओं की भी एफआईआर दर्ज करवाई कि तुम, और बोला कि आप लोग वहाँ आइए, और तो ये व्यक्ति ये तो जियो कार्यालय वाला तो जानता ही नहीं हमको ना, हम उसको जानते थे,
कि तो फिर मेन मुद्दा ये है कि उसने हमारे नाम और मोबाइल नंबर कहाँ से लिए। जी हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासन के द्वारा भी इन्हें परेशान किया जा रहा है, जहां एक और रसूखदार व्यक्ति इनके ऊपर नामजद FIR करा देता है पर इनकी FIR भी दर्ज नहीं की जाती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री साहब द्वारा ये घोषणा करी गई है कि आपको FIR 24 घंटे के भीतर आपको आपके FIR की कॉपी मिल जाएगी। नहीं उसके बाद में जब यहाँ पे ना सारे कर्मचारी काम कर रहे थे तो हम क्षेत्रवासियों ने वहाँ पर जाकर विरोध किया कि ये टावर अभी एक्टिवेट मत करो। हमने जब भी यहाँ पे भी ज्ञापन दिया वहाँ से कोई हमें कोई मतलब उचित यानी कार्रवाई हो तब तक आप रुको है ना, तो उन्होंने ऊपर है ना वो महिपाल सिंह है ना उसने हमें जातिवाद गाली दी और बोला कि मैं तो जात का राजपूत हूँ और तुम तो नीच जात के, तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। उसने हमें जाति तुम्हारे जितना जोर लगाना वो लगा दो। मैंने ऊपर से नीचे तक सब पैसे खिला दिए और है ना मेरे को है ना परमिशन मिली है, मैं लगा के रहूंगा। पुलिस भी हमें डरा रही है और पुलिस भी उसी का सपोर्ट कर रही है और हमें डरा रही है। उसको परमिशन मिली हुई है, उसने पैसे जमा कराए और हम जब परेशान हो रहे सब क्षेत्रवासी तो हमारे तरफ ना होके उनका साथ दे रही है और हमारे साथ उसने है ना FIR दर्ज कराई है कि हमने उसके कोई तोड़ फोड़ की, जबकि मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ और मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। उसके बाद में भी हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमारे ऊपर केस करवाया उसने। जी तो इन्हें गलत केस में भी इन्हें फंसाया जा रहा है और कुछ और बुजुर्गों से जानेंगे जो कि हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं। आप बताएं कि आप किन तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये टावर से कितनी परेशानी हो रही है? आँख से दिख नहीं रहा है, 11 महीने से बीमार हूँ। जी तो मेरा प्रशासनिक अमले से भी यही निवेदन है और तथाकथित नेताओं से भी यह निवेदन है कि यहाँ पर जो आम जनता में जो परेशानी है, जो रोष है, उसे आप साधारण तरीके से ना समझें और इनकी परेशानी को दूर करने का भरसक प्रयास करें, क्योंकि जो टावर से निकलने वाला रेडिएशन है ये लोगों की जान तक ले सकता है। ये उन्हें तिल तिल मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लोगों के नसों के अंदर जकड़न की समस्या हो गई है, घुटनों की समस्या हो रही है। हमारे साथ कुछ बहुजी थे जिनके हार्ट की समस्या भी इनको हो गई है। आप पीछे देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि आंगनवाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, आगे स्कूल भी मौजूद है। तो कब तक ये सोई हुई सरकार सुस्त रहेगी? मेरा आप चैनल के माध्यम से अपील है कि इन लोगों की परेशानी को समझे। कुछ और साथी भी हमारे साथ हैं। आप बताएं आपने अब तक क्या प्रयास करा इसके लिए? हम क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और अपनी समस्या उसके अंदर रखी कि हमारे क्षेत्र में जो कंवरपाल सिंह चौहान है, मूल रूप से खेराजीवाड़ा में निवास करता है, उसने जियो कंपनी का एक टावर लगाया है अपनी बिल्डिंग पे। उसका महिलाओं ने और पुरुष वर्ग ने विरोध किया, फलस्वरूप हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, महापौर को ज्ञापन दिया, नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया, वहाँ से 4-5 दिन का कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ पास में ही मंदिर है और एक प्राइमरी स्कूल चलता है, आंगनवाड़ी केंद्र है और इसी क्षेत्र के अंदर बुजुर्ग महिलाएं वगैरह जो रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके किसी के हार्ट की परेशानी है, कोई किडनी की परेशानी है, कोई मानसिक तौर से परेशान है, तो बुजुर्ग वगैरह व्यक्ति है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसको मकान मालिक को पाबंद करे और अति शीघ्र इस टावर को यहाँ से कहीं अन्य जगह वन क्षेत्र में लगाया जाए। जी तो लोगों की परेशानी का आलम बहुत बढ़ चुका है और हमारा जिम्मेदारों से अपील भी है चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करें और ताकि कुछ लोगों को निजात मिल सके इस समस्याओं से। आप बताएं कि आपने ये बच्चों का भविष्य ताक पर रख दिया गया है सरकार के द्वारा, आंगनवाड़ी भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, इसके लिए आपका मन कितना व्यथित रहता है? आपकी माता जी खुद बीमार रहती है। और मेरी माता जी खुद हार्ट पेशेंट है और बीमार रहते हैं, वो आए दिन बीमार रहते हैं और आसपास में सब बीमार रहते हैं और हमारे ऊपर लेडीज के ऊपर झूठे झूठे मुकदमे आ रहे हैं, पुलिस वाले मिले हुए पैसे खा रहे हैं, सबने पैसे खाए, जाति सूचक गाली दिए, कपड़े फाड़ रहे हैं, कहरे काट डालेंगे, गट्टे कर देंगे, गुंडों को बुला रहे हैं, ना जाने रात रात को पुलिस उनकी रिपोर्ट ले रही है, हमारी रिपोर्ट को घाट ही नहीं रही है और जनरेटर खड़े हैं, कब्जा कर रखे हैं या बिना काम से ही,
और लोगों को परेशान कर रहा है, लेडीजों को गाली गलौज दे रहा है और झूठे मुकदमे करवा रहे हैं। पुलिस भी नहीं, आप लोगों ने कभी उसका पुरजोर विरोध नहीं करा क्या? विरोध करा लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं रहा। हमने प्रशासन को दिया, कलेक्टर को दिया, आयुक्त को दिया, सभापति सबको, मेयर को दिया, सबको दिया। हमने हम जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और लोग यहाँ मर रहे हैं और ये लग रहा टावर इतना बड़ा ऊपर यहाँ पे किरायेदार रह रहे हो, 50 से किरायेदार हैं सब, वो कहाँ से आए हुए पता नहीं है। कोई किसी का वेरिफिकेशन नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन, कोई आ रहा है जा रहा है, धांधली कर रहा है, किसी को लेना देना नहीं है। अब पब्लिक डरी हुई है यहाँ पे, एक तो किरायेदार है कब्जा करके बैठे हैं, जनरेटर खड़ा करता है, अति कर रहा है इसकी, जितनी हो सकता है अति कर रहा है, उचित अनुचित कुछ नहीं देख रहा है, तो सब अपनी कार्रवाई कर ही रहा, पुलिस प्रशासन भी इसका ही सपोर्ट कर रही है। और जेंट्स भी रहते नहीं है, लेडीजों को पीछे से आके धमका रहे हैं, पुलिस वाले नाम लिख के लेके गए, हमारे पे कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई तो जहाँ होनी चाहिए वहाँ प्रशासन करेगा। नहीं जेंट्स तो कोई रहते ही नहीं है, लेडीजों को आके डरा रहे हैं सुबह सुबह, गट्टे कर देंगे, काट डाल देंगे, कपड़े पकड़ रहे, वो टावर वाले आ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, हम थाने में जा रहे हैं तो पुलिस वाले हमारी सुन ही नहीं रहे, उनकी ले रहे हैं, हमको कह रहे तुमको पाबंद करेंगे, हमारे ऊपर कर रहे हैं। छुट्टियों का टाइम पे 25-30 लड़के लाया था, उन लड़कों के साथ में खड़े रखे, इतने ऊपर फिटिंग करवा दी, अब ये छुट्टियों में काम करने के प्रोसेस में है, छुट्टियों पे काम कर देवे तो हमारा काम हो जाए। अब किसने परमिशन दी है हमको पता ही नहीं है, परमिशन लेटर वो दिखा ही नहीं रहा है, प्लस कलेक्टर साहब भी कार्रवाई करनी चाहिए, कलेक्टर साहब है माफ हो रहे हैं, यहाँ के पार्षद साहब है मोहन जी, जस्ट पास में आंगनवाड़ी है, 10 से 15 बार बताया है, हमारी समस्या बताई है, सब ऐसा ऐसा हो रहा है कि वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है फिर? जब सभी हाथ खड़ा कर रहे हो तो हम किसके पास जाए जी? हमारे लिए कार्रवाई करो, यहाँ टावर हट जावे, जस्ट पास में आंगनवाड़ी है, और ये फालतू के किरायेदार नहीं रखे, उचित किरायेदार रखे, व्यवस्थित रखे, फैमिली वाले मेंबर रखे, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है जी। अच्छा एक बात है, 6-7 साल से नाला खुला है, नाला उधर ढंग ही नहीं रहे, जानवर भी गिरे, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये नहीं, ये कोई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे, भगवान के ऊपर कचरा डाल रहे हैं, भगवान के ऊपर कुछ भी डाल रहे हैं, खा रहे पी रहे वहाँ चौकी पे बैठ के भगवान के बाद दारू मांस कर रहे, वो चल रहा है, वो सुन नहीं रहा, ये कुछ नहीं कर रहा और कमाई करता, बस पैसे लेके चला जाता, किराया मकान मालिक। अच्छा किरायेदार रह रहे, कोई 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 बात कहाँ से आके, ये यहाँ रहता नहीं है, हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी है, आप बताएं कि आप किन तरह की तकलीफों से जूझ रही है। मेरा बच्चा का तकलीफ है, इसको किडनी में तकलीफ है, हड्डी में तकलीफ है, मेरा बच्चा एक ही है, घर में हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली औरत रहती हूँ, इधर धर्मशाला खोल कर रखा है, इधर मवाली गुंडे आते हैं, हम अकेली औरत है, मेरे लोग कहाँ जाएंगे, आवारा बच्चे दारू वारू पीते, हम अकेले क्या करेंगे, और हम ज्यादा झगड़ा करने जाते हैं तो पत्थर फेंका हमको, और हाथ बताई किया और उनको छिड़छिड़ी कर रहा है, गंदी गाली देने लगा, माँ उसे के गाली देने लगा, और बच्चे कॉलोनी में इतना खेलते हैं, तो रात को 11 बजे दारू पीते हैं, बच्चे आवारा आते हैं, हम अकेली औरत है, वो टावर पर हम वो आकर ऊपर टाटा करता है, तो एक औरत अकेली क्या करेगी बताओ, जैसे छिड़ी का मजाक बना रहा है, और कल बच्चे और हाथ तो से इशारे कर रहे हैं, मेरे बच्चे का 1 महीना हुए, मैं थेरेपी करवा रही हूँ, थेरेपी से नहीं आराम पड़ रहा है, कल बच्चा अकेला है, आप कोई जिम्मेदारी दे सकते हो, ये कानून कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम कानून कार्रवाई करेंगे, फिर हमारी कंप्लेंट होगी, हमारे बच्चा एक ही है, संभालना वाला कोई नहीं है, अगर वो खाने को अगर दे सकता है तो हम भी खाने को दे सकते हैं, हम भिखारी नहीं है, और वो मांग कर खाना चाहता है तो हम धर्मशाला में दान पुण्य कर सकते हैं, यही करना चाहता है, और हमारा वो टावर नहीं चाहिए, और मेरा बच्चा अकेला है, छोटे छोटे सबके कॉलोनी में बच्चा है, हम यही जानना चाहते हैं सबको टावर नहीं हटाना है, इस कारण ये सब महिलाएं बैठी है, तो हम सामने से झगड़ा करने गया, वो पत्थर और मारा मारी करने लगा और गंदी गंदी गाली देने लगा, उसका महीने का 1,00,000 रुपया आ रहा है, धर्मशाला मनाया अंदर गुंडागर्दी रहता है और मवाली रहते हैं, रात को दारू पीते हैं, और जीवड़ी लाकर सब गुंडे को खड़ा करता है, नीम की जाल के नीचे, हम अकेली औरत को रात को 9 बजे 8 बजे बाहर बच्ची औरत दूध देने नहीं जा सकती है, अकेली औरत रह नहीं सकती है, और दादागिरी बताने से 3 बेटा है, इसको 2-3 करोड़ रुपया आ रहा महीने का, तो वो आकाश में टावर लगाने से हमको बहुत तकलीफ हो रही, हम अकेले हैं, हमारा फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये टावर हटाना है, और पुलिस वाले भी मिल चुके हैं, और पुलिस वाले उनके थाने में हमको गए थे, हम रिपोर्ट लिखे थे, हम थाने वाले पुलिस वाले बोला कि आपके पास क्या सबूत है, हमने बोला हमारे पास सबूत नहीं है, इसने पैसा खिला दिया है 3,00,000 रुपया गवर्नमेंट को और पुलिस वाले को खिलाने से, हमारे को ये हटाना है, पुलिस वाले के हमने साइन करवाए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ये
चीज़ अभी नहीं रहना चाहिए। हमारे छोटे छोटे कॉलोनी में बच्चे रहते हैं, इसलिए ये जानकारी करते हैं, हम विनती करते हैं कि सब हटा दो और छोटे बच्चे आज भविष्य कोई खाने को नहीं देगा, हमारा अकेला कमाने वाला कोई नहीं है।